नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज़। आज एसकेपी लाइव न्यूज़ में हमारी चर्चा पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सोलंकी के साथ उत्तर प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी भाग की कमान प्रियंका गांधी एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया को सौंपने पर क्या कुछ कहा पूर्व सांसद सूरजभान सिंह सोलंकी ने, सुने और देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर। एक खुशी की बात यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश को पहचाना और मध्य प्रदेश की उपयोगिता को युवा के संदर्भ में देखते हुए यहाँ की राजनीति में सक्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले मध्य प्रदेश में ट्रायल के लिए भेजा कि यहाँ पर सरकार बनाने में उनकी भूमिका हो। मेरा मानना है, गांव के लोगों का मानना है कि जो युवा लोगों ने वोट दिया उसमें अधिकांश युवा जो कांग्रेस की रीति नीति में समझ तो रखते थे लेकिन वोट देने के वक्त में कई बार कई नए आयामों पर सोच विचार करते थे। ज्योतिरादित्य जी ने, सिंधिया जी ने अपनी सभाओं के माध्यम से उन युवाओं को आह्वान किया था कि आप कांग्रेस के साथ जुड़िए और सरकार बनाने में मदद कीजिए। सर, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है उनको प्रदेश में कहीं कोई पद नहीं मिला, मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे वो, और कहीं उनको यूपी भेजा जाना उससे तो कहीं जोड़ के नहीं देखा जाना। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बड़े नेताओं के बीच में सामंजस्य अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ही कर पाती है। ज्योतिरादित्य जी की एक इच्छा जरूर रही होगी क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट की बात की, लेकिन मुझे लगता है और शायद अखिल भारतीय कांग्रेस ने भी ये महसूस किया कि मध्य प्रदेश से ज़्यादा उनकी उपयोगिता पूरे भारत के स्तर पर है और उन्हें कांग्रेस का महासचिव बनाया। लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमज़ोर है और कांग्रेस के हमारे उत्तर प्रदेश के जो महासचिव थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने भी ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और इस संदर्भ में वहाँ के युवा को साधने के लिए अगर सिंधिया जी की उपयोगिता कांग्रेस ने समझी है तो मैं सोचता हूँ एक स्वागत योग्य कदम है। सिंधिया गांधी को भी ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या कहेंगे? क्या देश में एक नई क्रांति आने वाली, दूसरी इंदिरा के रूप में देखा जाता है, इतने देरी क्यों की कांग्रेस ने? एक बहुत अच्छा सवाल। बहुत लंबे अरसे बाद कांग्रेस के लिए, कार्यकर्ता के लिए मन में जो प्रश्न लिए हुए था, क्या प्रियंका जी राजनीति में आएंगी, एक बहुत बड़ा उत्तर भारत के मतदाताओं को मिला है। जब सोनिया गांधी ये कहती थी कि सत्ता की भागीदारी में पंचायत स्तर पर हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्रियंका जी घर पर जो बैठ के देख रही थी इस काम को, अगर वो सक्रिय राजनीति में आ गई तो ये देश की महिलाएं, उनमें जो एक इंदिरा गांधी की छवि, सूरत और कार्यशैली को देखती हैं, मुझे लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा भीड़ अब प्रियंका जी की सभा में महिलाओं की होगी, क्योंकि महिलाओं ने महसूस तो किया गांव में जाकर कि उन्हें सत्ता में हक मिला है। लेकिन गांधी के लिए आई हैं ऐसा कहा जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है वो पहली सीढ़ी होता है प्रधानमंत्री पद के लिए, क्या कहें? किसी भी भाई को जब बहन राखी बांधती है तो दोनों एक दूसरे से इस सूत्र में बंध जाते हैं कि तुझे ज़िंदगी में मेरी क्या आवश्यकता है और मुझे ज़िंदगी में तेरी क्या आवश्यकता है। बहन के रूप में अगर भाई के राजनीतिक करियर के लिए और उससे भी आगे इंदिरा जी और राजीव जी के बलिदान को, दादी और जिसने पिता खोया है उसकी जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र के लिए अपने आप को, अगर राजनीति में नीचे लोग, मतदाता लोग, महिलाएं चाहती हैं कि वो अपने एक भाषण दें, अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करें, तो मुझे लगता है एक स्वागत योग्य कदम है। राहुल जी को जरूर, मैं एक बार फिर से कहता हूँ, ज़रूर उनके राजनीति में प्रवेश करने से बहुत लाभ पहुँचेगा और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जहाँ हम कमज़ोर पूरे भारत को दिखाई देते हैं। अब प्रियंका 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 के नारे गूंजेंगे मैदानों में। सर, ऐसा नहीं लगता बहुत देर हो चुकी प्रियंका गांधी को लाने में? मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी को लाया गया?
प्रियंका गांधी जी की राजनीति में कई दिनों से चर्चा है। अमेठी और रायबरेली में उनकी लगातार सक्रिय भूमिका है और वो उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के लिए नई नहीं है। ये बात ठीक है कि इस वक्त देश को ज़रूरत है, जब हम कई दल मिल करके इस भारत में मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं और प्रियंका जी उतरी हैं तो निश्चित रूप से वो मोदी जी के खिलाफ उतरी हैं और उनका उपयोग होगा और देश की जनता मतदान प्रियंका जी के कहने पर भी अधिक मात्रा में कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में साथ में खड़ी होंगी। उनको महासचिव बनने की बधाई और उनको इस तरह के कांग्रेस की जीत के लिए आश्वस्त करने के लिए अग्रिम बधाई हम अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश की तरफ से, धार लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की तरफ से भी देते हैं। आपका नाम बता दीजिए, पोस्ट बता दीजिए। जी, मैं सूरज भान सोलंकी हूँ और प्रियंका जी के पिताजी श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी मुझे राजनीति में लाए। मैं पायलट हूँ, अभी भी मेरा लाइसेंस पायलट का है। दो बार मैंने लोकसभा में प्रतिनिधित्व